एंड यहाँ पर सारी बच्चा पार्टी मिल गई है। तो आप सब यहीं के रहने वाले हो। मेरा अकॉर्डिंग यहाँ पर सुरंग होगी बनी हुई एंड ये गेट टूटा पड़ा है। यहाँ भी अंदर कुछ सुरंग टाइप की बनी रखी है पर अंदर में जा नहीं सकता जरा। एंड ये ऊपर रास्ता जा रहा है और ये बंद कर रखा है। एंड ये प्यारा सा रास्ता एक और यहाँ पर बनी हुई है जेल। हे गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब, आई होप अच्छे होंगे। तो इस टाइम मैं जा रहा हूँ आगरा के दयाल बाग में जो कि एक टूरिस्ट प्लेस है एंड उसे 114 साल हो गए बंद हुए बट अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ। 20 जनवरी सन 1915 में शतरूद का पेड़ लगाकर उसका उद्घाटन किया गया था दयाल बाग का। एंड मैं उसके पास ही पहुँचे हूँ एंड चलो अब उसके अंदर चलते हैं और देखते हैं उसकी खूबसूरती। तो एंड यहाँ पर दयाल बाग के नाम से कॉलेज भी है जो यहाँ पर काफ़ी फेमस है, जो डिग्री कॉलेज है। तो चलो अब चलते हैं। तो सारा मामला पोपट हो गया गाइस। दयाल बाग बंद है कोरोना टाइम से। अभी मुझे यहाँ के पता चला, मैंने पूछा ना कि दयाल बाग का रास्ता कहाँ से है, फिर मैं वहाँ पर गया तो बता रहे कोरोना के टाइम से दयाल बाग बंद है, उसके बाद से खुले नहीं, अभी वहाँ काम चल रहा है। बताओ यार इतनी गर्मी में इतनी दूर से आया यहाँ पर चल के यार दयाल बाग देखूँगा। चलो कोई नहीं, अब ऑटो देखते हैं एंड पता करता हूँ मैं यहाँ पर आसपास या कहीं पर कोई दूसरा टूरिस्ट प्लेस हो तो फिर वहाँ चलते हैं। गाइस अब मैं आया हूँ आगरा के इत्माद उल दौला हिस्टोरिकल प्लेस में, जो एक बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है जिसका निर्माण मुगल सम्राट जहांगीर ने अपनी बेगम नूरजहां के माता पिता के सम्मान में बनवाया था। तो ये भी एक आगरा का बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है। इसे छोटा ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसकी खूबसूरती भी ताजमहल के साथ मैच करती है। तो चलिए वहाँ चलते हैं, अंदर जाके देखते हैं इसका टिकट कितने का है। गाइस यहाँ का नक्शा है कुछ ऐसा एंड इमामुद्दौला एंड ये यहाँ का कुछ एंट्री गेट है आप देख सकते हैं और यहाँ से सामने की खूबसूरती को आप देख सकते हैं। तो ये मेन एंट्री गेट है। तो चलो अंदर चलते हैं और आपको बताते हैं यहाँ के बारे में सब कुछ। तो ये है टिकट घर, यहाँ से टिकट मिलता है। तो आप ये पढ़ सकते हैं यहाँ पर सब कुछ लिखा है एंड दिस इज ए टिकट घर। गाइस ये 30 रुपीज़ का टिकट है एंड यहाँ पर सारी बच्चा पार्टी मिल गई है। रहने वाले हो? तो इनकी एंट्री नहीं हो रही थी यार, तो मैंने आईडी दिखा के एंट्री हो गई इनकी। क्या मैं यूपी से हूँ, बिजनौर से। एक्चुअली ये भी यूपी है बट मैं बिजनौर, बिजनौर का नाम सुना है? बिजनौर सुना है मैंने, धामपुर नजियाबाद उसके पास ही है बिजनौर भी। सो अब यहाँ अंदर चलते हैं, आपको जितना मुझे पता है उतना मैं आपको यहाँ के बारे में बताता हूँ। आई थिंक वहाँ भी गए 30 रुपीज़ का टिकट है, ताजमहल एंड रेड फोर्ट का 50 रुपीज़ का। तो चलो अंदर चलते हैं, इन्जॉय करते हैं और आपको यहाँ के बारे में बताते हैं। सबसे पहले ये बिल्डिंग बनी हुई है कुछ ऐसी खूबसूरत, आई थिंक जितने भी आगरा में है ना महल, मतलब सब में ऐसी रेड कलर की शाइनिंग दी गई है एंड रेड कलर का कलर दिया गया है। शायद ये मुगल सम्राट के कुछ उससे मिलता जुलता होगा इसलिए सबको रेड बिल्डिंग के अकॉर्डिंग बनाया गया है। बट आप खूबसूरती देख सकते हैं, सबकी समान है यार। क्या बैड टाइम में क्या मिस्त्री हुआ करते थे यार। एंड आप यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं, इसके बारे में सब कुछ लिखा है यहाँ पर। एंड यहाँ भी यहाँ गेट वेट लग रहा है एंड पीछे देखे तो बाग है यार। देखिए यहाँ भी मतलब बिना पेड़ पौधों के तो खूबसूरती अधूरी है हर जगह की यार। तो चलो अब अंदर। एंड यहाँ भी कुछ बनाया गया है, हाय इसकी खूबसूरती। इन बच्चों ने और रोल मचा रखी यार मेरे साथ आके यार। एंड ये अंदर एंट्री करने का, क्या खूबसूरती है यहाँ की, हाय ठंडी हवाएं। एंड ये आप देख सकते हैं, आई डोंट नो कि ये क्या है, कवर है या क्या है, कुछ ऐसा बना हुआ है अंदर से। एंड ये इस साइड भी कुछ ऐसा बना हुआ है एंड यहाँ से शायद उधर जाने का रास्ता भी है बट यहाँ शोर बहुत हो रहा है। एंड यहाँ पर टूटू बने हुए हैं, ये दो मतलब जो भी रहती होंगी मुझे नहीं पता क्या है। जो ये इमामुद्दौला है ना, ये भी यमुना नदी के किनारे है, तो मतलब इसके अपोजिट में ना यमुना नदी बह रही है। जिन्होंने बनवाया था ना, तो उन्होंने नदी के किनारे बनवाया था। तो मैंने देखा है अधिकतर जो यहाँ पर महल वहल बने हुए हैं ना, जितने भी मकबरे बने हुए हैं, खास ज़्यादातर नदी के बराबर में ही बने हुए हैं। बस जो कुछ ऐसे हैं मकबरे जो नदी के बराबर में नहीं है,
और जहाँ तक यहाँ की खूबसूरती की बात की जाए तो यार जितनी तारीफ करो उतनी कम है, आप देख ही पा रहे होंगे। बट आप जब यहाँ पर आएंगे ना रियल में घूमने, जब आप अपनी आंखों से देखेंगे, जब आपको कुछ ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा, कैमरे में आप इतने अच्छी तरह नहीं देख पा रहे होंगे। और बट धूप इतनी हो रही है, गर्मी इतनी हो रही है ना, तो उसकी वजह से लोग बाग यहाँ कम घूम रहे हैं। एंड यहाँ मुझे अब तक 2-4 फॉरेनर ही मिले हैं बस। अब चलो मैं आपको लेके चलता हूँ दूसरी तरफ। एंड ये सामने का मकबरा जिसके पीछे यमुना नदी बह रही है, तो चलो आपको अंदर चल के दिखाता हूँ मैं। देखो गाइस ये पूरी यमुना नदी बह रही है। यहाँ की खूबसूरती और फिर यहाँ से जाके यमुना नदी, आए हाय ये क्या सीन है यार, ब्यूटीफुल सीन। एंड यहाँ की आप देख सकते हैं डिज़ाइन, आई थिंक पता नहीं लैम्प जलाते होंगे क्या जलाते होंगे इसके अंदर, आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है ना ये जो बने हुए हैं डिज़ाइन टाइप के। एंड ये कुछ रास्ता वहाँ पर जा रहा है शायद महल से ऊपर, देखते होंगे राजा महाराजा लोग। एंड यहाँ पर ये प्यारा सा सुंदर सा बाग। एंड ओ माय गॉड देखिए गाइस कितना प्यारा अंदर का गुफा का रास्ता है ये जो जीना जा रहा है, देखिए आप, पर ये बंद कर रखा है। मेरा अकॉर्डिंग यहाँ पर सुरंग होगी बनी हुई। एंड ये गेट टूटा पड़ा है, यहाँ भी अंदर कुछ सुरंग टाइप की बनी रखी है, पर अंदर मैं जा नहीं सकता ज़रा। एंड ये ऊपर रास्ता जा रहा है और ये बंद कर रखा है। एंड ये प्यारा सा रास्ता है एक, और यहाँ पर बनी हुई है जेल जहाँ पर कैदियों को बंद करा करते थे। यहाँ पर देखिए गाइस पहले टाइम में, पुराने टाइम में ऐसी जेल बनी होती थी जहाँ पर कैदियों को बंद करा करते थे। बस यहाँ पर आकर रास्ता स्टॉप, और यहाँ से दिख रही है यमुना नदी। तो चलिए अब चलते हैं, यहाँ का एरिया तो कवर हो गया, अब देखते हैं यहाँ पर और क्या क्या है। एंड एक मकबरा ये बना हुआ है यहाँ पर, सबका कलर सेम है बस थोड़ा सा अंतर है रास्ते में। और ये जो नालियाँ वालियाँ बनाई गई है, आई थिंक पता नहीं पानी चलता होगा यहाँ पर क्या चलता होगा, कुछ खास तो नहीं है। बट यहाँ पर लॉकर हैं, ताले वाले लग रहे हैं दोनों तरफ ये है। तो ये है आगरा का इमाद उल दुला। बस मैंने आपको पूरा घुमा दिया, अब यहाँ से चलते हैं बाहर। ये कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था यार, मतलब गर्मी नहीं हो रही होती, शाम हो रही होती तो मज़ा आता है यहाँ भी घूमने में। जिसको वीडियो बनाने का शौक़ हो या हिस्ट्री के बारे में जानने का शौक़ हो, हिस्टोरिकल प्लेस के घूमने का शौक़ हो, वो यहाँ पर आ सकता है। उसके लिए यहाँ पर बहुत अच्छा, जैसे पत्थरों की बनावटी का शौक़ है, क्योंकि यहाँ के जो पत्थर है ना बहुत ही खूबसूरत है यार, इतने हजारों साल पुराने होके भी इतनी खूबसूरती है यहाँ की यार। काफ़ी थक गए और गर्मी बहुत हो रही है, चलो अब यहाँ से चलते हैं। तो जैसा कि आपने देखा इमाम उल तुला जो भी है ये ज़्यादा खास नहीं है, मतलब ठीक ठाक है, मतलब हिस्टोरिकल प्लेस है एंड आगरा में ही है और बहुत अच्छा है। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो का एंड करता हूँ। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ, बाय बाय।